हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। और मैं रेखा अग्रवाल। तो गाइज कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज फिर हम बनाने जा रहे हैं एक नई रेसिपी। ये रेसिपी क्या है इसे देखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आज हम क्या बनाएंगे, क्या है वो नई रेसिपी। बिल्कुल हलवाई स्टाइल पेड़े बनाना सिखाऊंगी आपको। आधा किलो दूध चढ़ा देंगे, पहले दूध को उबाल लेते हैं। तो गाइस ये देखिए दूध हमारा उबलना शुरू हो गया है और एक साइड मैंने दूध चढ़ाया था, दूसरा दूध वो निकल गया है उबल कर। इसमें मैं 50 ग्राम चीनी डालूंगी। एक किलो दूध में हम 100 ग्राम चीनी डालते हैं, तो आधा किलो दूध में मैंने 50 ग्राम चीनी डाल दी है। तो गाइस ये देखिए दूध उबलना शुरू हो गया है। लगातार इसको चलाते रहेंगे और किनारों का दूध छुड़ाते रहेंगे साथ के साथ, वरना इसकी पपड़ी बन जाएगी और जल भी सकता है ये। एकदम सॉफ्ट खोया बनाना है हमने। आधा किलो दूध में हम एक चम्मच अरारोट डालेंगे। हलवाई की शॉप पर भी अरारोट ही डलता है बर्फी और पेड़े में। इसको डालने से थोड़ा सा दूध गाढ़ा भी हो जाएगा और गाइज थोड़ा सॉफ्ट भी बनता है इसको डालने से, एकदम दानेदार नहीं बनेगा। ये देखिए मिक्स कर दिया, इसको छानते हुए डाल देंगे और इसको लगातार चलाएंगे अब। तो गाइज ये देखिए 2 से 3 बड़ी इलायची ले लेंगे हम। ये देखिए गाइज इसको तोड़ लेते हैं। तो गाइज इलायची कूट कर हम तले में डाल देंगे। ये मैंने 2 इलायची कूटी थी, थोड़ी सी मैंने रख ली है सजाने के लिए और बाकी हम इसमें डाल देंगे। और ये छिलके भी डाल देंगे इलायची के, इसका फ्लेवर सादा दूध में आ जाएगा। ये देखिए गाइज काफ़ी गाढ़ा हो गया है, अब इसको हम और गाढ़ा कर लेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट टेक्सचर आए देखिए अरारोट डालने के बाद। ये देखिए गाइज बिल्कुल सॉफ्ट, इसी तरह से इसको चलाते रहेंगे। अब ये गाढ़ा हो गया है बिल्कुल, ये देखिए बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं वरना ये कढ़ाई में लग जाएगा। बस इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे इसको। अभी जल्दी जल्दी गाढ़ा हो जाएंगे, अब इसमें टाइम नहीं लगने वाला ज़्यादा। ये देखिए गाइस एकदम गाढ़ा दूध हो गया है और अब गैस को हम थोड़ा सिम कर लेंगे। अगर तेज पर बनाएंगे तो बिल्कुल ही जल जाएगा, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा स्लो कर लेंगे गैस को। और गाइस ये देखिए इतना गाढ़ा होने के बाद हम इसमें अभी एक चम्मच देसी घी का डालेंगे। ये देखिए अभी हम इसको देसी घी में सेकेंगे अच्छी तरह से। देसी घी डालने से एकदम सॉफ्ट बनता है ये। सेकंडों में ये बन जाएगा। तो गाइज खोया हमारा बिल्कुल गाढ़ा हो गया है और एकदम थिक कंसिस्टेंसी में हो गया है देखिए। तो गैस को बंद कर देंगे अब और इसको 10 मिनट ठंडा करेंगे। ये देखिए ऐसे फैला देती हूँ मैं इसको। तो गाइज बैटर हमारा ठंडा हो गया है, अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो गाइज हल्का सा घी लगा लेंगे हाथ पर और इसको मसल लेते हैं थोड़ा सा। अब इसको बराबर भागों में हम तोड़ लेंगे जितने हमें पेड़े बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से गोल कर लेंगे और कोई भी आकार दे देंगे हम इसको दबाकर इस तरह से।
तो गाइज इलायची से सजा देंगे, आप चाहें तो आप इसको ड्राई फ्रूट से भी सजा सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ी थोड़ी इलायची इसके बीच में डालेंगे हम। तो थोड़ा मैंने इस पर पिस्ता लगाया है और इलायची फ्लेवर दिया है इस पेड़े को मैंने, जो मार्केट में मिलता है इलायची फ्लेवर का। तो गाइज बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल मतलब मार्केट जैसा बना है, एकदम टेस्टी खाने में भी। तो आप इस रक्षाबंधन पर आप इसको ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी स्वादिष्ट बनता है। अगर आपका पेड़ा भी स्वादिष्ट बनता है तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं बनाती रहती हूँ। ओके गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।